उसी में जो कंटिन्यूटी और चेंजेस रहे हैं उसके बारे में बात करनी है कि क्या कंटिन्यूटी रही है और क्या चेंजेस रहे हैं। तो थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा क्या, आपको काफी कुछ आइडिया है इसका कि इनिशियल फेज में हमारी फॉरेन पॉलिसी नेम पर बेस्ड थी, है ना, नॉन अलाइन मूवमेंट पर बेस्ड थी, टाइम टू टाइम लीडरशिप के कारण भी और जियो पॉलिटिकल कंडीशन के कारण उस पर बदलाव आए। लीडरशिप का असर दिखने में लगता है ना, लोग कहते हैं कि पंडित नेहरू आइडियलिस्टिक थे, इंदिरा गांधी रियलिस्टिक थी, लेकिन उसका कारण क्या था कि उनकी परिस्थितियां अलग अलग थी, ठीक है ना भाई। हो सकता है कि आज कोई व्यक्ति जो है वो परिस्थितियों से समझौता करके रहता हो, और एक ऐसा हो जो जो कोई भी इश्यू होता है, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें सीधे भिड़ जाता है। तो दोनों के व्यक्तित्वों में अंतर जो है वो लोग मानते हैं कि दोनों की पर्सनैलिटी में डिफरेंस था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों की कंडीशंस में भी डिफरेंस होता है, इसीलिए लोगों के एटीट्यूड अलग अलग होते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे वाजपेयी जी या अडवाणी जी, उस समय माना जाता था कि बीजेपी बड़ी लिबरल पार्टी है, लिबरल का मतलब हर एक आदमी उनको अच्छा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये तो था ही कि दोनों उनका व्यक्तित्व थोड़ा ऐसा था जिसके अंदर वो सबको अकोमोडेट करते थे। लेकिन ये भी कारण था कि बीजेपी इस कंडीशन में नहीं थी कि देश में रूल कर सके और लोगों को नुकसान पहुंचा सके, है ना, अपोजिशन को नुकसान पहुंचा सके। अब जब वो इस कंडीशन में आई तो फिर बीजेपी ने पहुंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिबरल रहते हो या आप आक्रामक तेवर दिखाते हो, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी कंडीशन का और जियो पॉलिटिकल कंडीशन का रहता है, समझ गए। दुनिया की स्थिति बदली है तो आपको बदलना पड़ता है, आपकी स्थिति बदली है तो आपको भी बदलना पड़ता है, समझ गए। ये एक सिंपल सी थ्योरी है और यही हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, लिखिए कंटिन्यूटी एंड चेंजेस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो चल रहा था उसमें कंटिन्यूटी एंड चेंजेस। क्या हुआ, कंटिन्यूटी एंड चेंजेस, निरंतरता और बदलाव। अब देखिए, एक तो होता है इसमें स्कॉलर्स का कहना, और एक एस जयशंकर ने जो बोला पीएसआईआर के अंदर, एस जयशंकर ने जो बोला ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने जीएस के अंदर आपको लिखवाया था बात वही है, लेकिन जीएस के अंदर जो आपको लिखवाया था बड़ी जनरल बात थी वो, लेकिन जो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या बोलेंगे, तो जो एस जयशंकर ने इसके अंदर अपनी स्पीच दी थी उसके अंदर लिखना, इसके अंदर लिखना शुरू कीजिए। In 2019, the External Affairs Minister S. Jaishankar Describe the continuity and changes in Indian foreign policy. Describe the continuity and changes in Indian foreign policy and according to him, there are six broad phases aur unke anusar vistrit roop se six charan rahe hain, six broad phases unke anusar six vistrit charan rahe hain। Kya dikkat hua? अच्छा, लेकिन एस जयशंकर के अनुसार भारतीय विदेश नीति में छह विस्तृत चरण रहे हैं। नंबर वन, फर्स्ट फेज 1946 टू 1962, नेहरू जब तक जिंदा थे, नहीं नेहरू तो 64 तक जिंदा थे, ठीक है ना, हाँ दो साल पहले तक, ठीक है। 1946 टू 1962, इट इज द फेस ऑफ नॉन अलाइंड एरा, नॉन अलाइनमेंट एरा।
ये गुट निरपेक्षता का चरण माना जाता है। एंड इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बाइपोलर वर्ल्ड एंड इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बाइपोलर वर्ल्ड जिस पर द्विध्रुवीय विश्व का प्रभाव था, जिस पर द्विध्रुवीय विश्व का प्रभाव था, इंडियाज ऑब्जेक्टिव वर टू रेजिस्ट were to resist the force of power game। भारत का उद्देश्य यह था कि वह उस बल का प्रतिरोध करे, कि वह उस बल का प्रतिरोध करे जो शक्ति आधारित था, भारत का प्राथमिक उद्देश्य अपनी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना था। वॉज टू सेव इट्स सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, अपनी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना था। द इकोनॉमिक कंडीशन डिमांड्स द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। आर्थिक स्थिति, तकनीकी और वित्तीय मदद चाहती थी। दैट इज वाई India showed the interest in collaboration with recently decolonized nations. इसीलिए भारत ने उन देशों के साथ सहयोग में रुचि दिखाई जो हाल ही में उपनिवेशवाद से आजाद हुए थे। The motive was to make the world order more equitable, with the inclusion of Latin American, African and Asian countries of latin american african and asian countries
उद्देश्य यह था कि विश्व व्यवस्था अधिक समावेशी बनाई जाए, जिसमें दक्षिण अमरीकी, अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रों को शामिल किया जाए। द सक्सेस ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी रिफ्लेक्ट्स इन कोरियन एंड वियतनाम वॉर भारत की इस कूटनीति की सफलता कोरियाई और वियतनाम युद्ध में दिखाई देती है। When credit was given to India to sort out the disputes, जिसमें विवाद सुलझाने में भारत को श्रेय दिया जाता है। द फॉरेन पॉलिसी दिस फॉरेन पॉलिसी वॉज आर्टिकुलेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू यह विदेश नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही रचित की गई थी was articulated by Pandit Jawaharlal Nehru, which finally ends in 1962 after the China War. जो 1962 में चीन युद्ध के साथ समाप्त हो। सबसे पहले आपको ध्यान फोकस करना है नॉन अलाइनमेंट पर। दूसरा, नॉन अलाइनमेंट क्यों? उस समय का जो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, इसलिए हमने क्या माना, जो रिसेंटली डीकोलोनाइज नेशन हुए हैं उनके साथ में क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, ताकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन सके जिसमें इक्विटेबल जस्टिस जस्टिसेबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर बन सके, जिसमें नए नए आजाद हुए देशों की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी इंटैक्ट रह सके। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी लीडरशिप थी उसने माना कि अगर हम किसी ना किसी पोल में शामिल हो गए यूएसए के या यूएसएसआर के, जो समय बाइपोलर वर्ल्ड था, तो कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, हमें वो करना पड़ेगा जो हमारा ग्रुप कह रहा है, जो हमारा ग्रुप चाह रहा है। अगर हमारा ग्रुप चाह रहा है कि लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अगर हमारा ग्रुप चाह रहा है कि हमें सामने वाले के साथ कोल्ड वॉर की सिचुएशन में आना है तो कोल्ड वॉर में आना पड़ेगा। इन सबसे बचने का उपाय क्या है कि जो एक थर्ड वर्ल्ड नाम का कॉन्सेप्ट डेवलप करो, और यही कारण था कि पंडित नेहरू ने चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे सुधारने की कोशिश की। समझ गए? चाइना कम्युनिस्ट नेशन होते हुए भी कभी यूएसएसआर के ब्लॉक में नहीं था, है ना। चाइना जो था वो कम्युनिस्ट नेशन तो था, लेकिन वो यूएसएसआर के ब्लॉक में नहीं था। वो कभी ये नहीं कहता था कि यूएसएसआर हमारा लीडर है और बाकी जैसे बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया जैसे ईस्टर्न यूरोपियन देश थे। चाइना ने वैसी लीडरशिप यूएसएसआर की कभी एक्सेप्ट नहीं करी। कारण भी था, चाइना एक विशाल पॉपुलेशन वाला देश था और ये बड़े छोटे छोटे देश थे। यूएसएसआर का साइज भले ही बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना ने, माओ ने अलग तरह से अपने यहाँ सिस्टम डेवलप किया था। तो हमने सोचा था कि अगर चाइना इस ग्रुप में शामिल नहीं है और चाइना भी नया नया आजाद हुआ हुआ देश है, तो क्यों ना चाइना, उस समय 1950 की जो चाइना की क्रांति हुई थी 49 की, तो हमने माना कि चाइना भले ही डीकोलोनाइज नहीं हुआ है लेकिन एक नया सिस्टम वहां डेवलप हुआ है, तो इंडिया और चाइना के बीच में कोऑपरेशन हो सकता है। और पंडित नेहरू ने एक डिप्लोमेटिक एफर्ट दिखाया, और जब यूएनओ के अंदर ये मामला उठा कि एशिया से किसको स्थायी मेंबरशिप मिलेगी, तो हमने चाइना के इश्यू को सपोर्ट कर दिया। अब अगर आप ये सोचते हो कि अगर हम चाइना के इश्यू को सपोर्ट नहीं करते तो चाइना को ये मेंबरशिप नहीं मिलती, तो ये बात गलत है कि नहीं है भाई? ये वो बात है
कि हमारा सपोर्ट एक चाइना को फील गुड का एहसास दिलाए बस। लेकिन अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो चाइना को यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो ग्रुप बने कैसे थे, जो 5 मेंबर्स का ग्रुप बना था वो कैसे बना था। राहुल ये बंद कर दो, ये वाला फैन लाइट तो आ रही है ना, सारे बंद कर दो भाई। गुड, तो वो ग्रुप बने कैसे थे, उन्होंने माना था कि जो कैपिटलिस्ट नेशन है और जो सोशलिस्ट नेशन है वहां से ले लेते, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर ही वही था। चला गया, बंद कर दिया। सर आप बैठो बिना पंखे के, मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो था एक ग्रुप था सोशलिस्ट, और उसके अंदर 3 कंट्रीज इसलिए थे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन उनकी पॉपुलेशन लगभग यूएसएसआर और चाइना के बराबर थी, बल्कि कम थी। ठीक है, सोशलिस्ट ग्रुप और कैपिटलिस्ट ग्रुप के हिसाब से बना दिए थे। तो कभी नहीं होता कि इंडिया जैसे देशों को परमानेंट मेंबरशिप मिल रही होती, ये गलत नैरेटिव है कि इंडिया ने अपनी परमानेंट मेंबरशिप निकाल के उनको दे दी। हाँ मिल जाती अगर हम कैपिटलिस्ट ग्रुप में शामिल हो जाते, अगर हम अमेरिका के अलाई बन जाते ना, तो हो सकता है फ्रांस की जगह इंडिया को मिल जाती, है ना, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि चाइना की जगह इंडिया को मिल जाती, क्योंकि यूएसएसआर फिर कोई ना कोई तोड़ निकालता और कहता कि इंडिया जैसे देशों को एशिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव मानना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, और वो कीमत ये होती कि हमारी सॉवरेनिटी और हमारी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती। तो ये उसका एम था। इस दौरान हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ में हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज ने काफी असर डाला, जो मैंने एक लाइन में लिखवाया आपको, गरीब भारत था। ठीक है, और ये गरीब भारत अगर डेवलपमेंट करना चाहता था तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी थी जरूरत और टेक्निकल असिस्टेंस की भी जरूरत थी। आज की इंडिया का कंपैरिजन जो हम लोग तो इस युग में जीते हैं, और बाकी इंडिया के विषय में हमने केवल सुना है, पढ़ा है, ठीक है, लेकिन जो लोगों ने वो टाइम देखा होगा जब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि स्विच ऑन करते ही एसी चलेंगे इंडिया के छोटे छोटे शहरों में, है ना। ऐसा नहीं कि भाई मेट्रो सिटीज की ये बात है, अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर जो ट्रेनें चलाई उसमें जानते हो उसमें शुरू से एसी बोगीज थी। अब एसी ऐसे नहीं थे, बर्फ की सीढ़ियां लगाई जाती थी नीचे, जो हर स्टेशन पे चेंज होती थी क्योंकि बर्फ तो पिघल जाएगी। तो जो एसी बोगीज अंग्रेजों ने कहा था ना उसमें कि भाई ये एसी बोगीज, तो उसके अंदर ऐसे एयर कंडीशनर, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर नहीं था, बर्फ की वो सीढ़ियां लगाई जाती, लेकिन अंग्रेजों ने ये किया था। और डेफिनेटली उसके अंदर कौन ट्रेवल करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्रेवल करते थे, ठीक है ना। उनको तो एसी के अंदर भी गर्मी लगती होगी क्योंकि वो जिस क्लाइमेट से आए थे वो क्लाइमेट डिफरेंट टाइप का था। तो इंडिया का फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, इंडिया को टेक्निकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी। ये जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स इंडिया को थी उसके लिए हमने एक हमारे सिचुएशन के हिसाब से पॉलिसी डिजाइन करी, जिसमें हमें दुनिया से लड़ना नहीं है और लड़ने से ज्यादा फोकस किस पर करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करना है। इसके लिए दुनिया भर से जो मदद चाहिए वो हम लेने को तैयार है। लेकिन 1962 में हमें बदलाव के बारे में सोचना पड़ा। चाइना एक विस्तारवादी देश होगा ऐसा हम सोचते नहीं थे। हमारा मानना था कि चाइना ने अपने अंदर एक क्रांति की, अपनी पुरानी सरकार को भगा दिया, वहां पर नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई, इंडिया को इससे लेना देना नहीं। इंडिया का यह मानना था कि चीन कभी इतना मिसएडवेंचर नहीं कर सकता कि इंडियन टेरिटरी पर हमला करे और उसको अपना बनाने की कोशिश करे। जहां तक बॉर्डर डिस्प्यूट है तो इंडिया की ज्योग्राफी का लोकेशन ही ऐसी है कि अगर बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होंगे तो क्या होंगे। क्या कारण है कि बांग्लादेश से बॉर्डर डिस्प्यूट है, देखो जरा, अगर आप सीमाओं को देखोगे तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इधर, इंडिया का शेष पोर्शन इधर, बीच में बांग्लादेश, तो बॉर्डर डिस्प्यूट तो होना ही है। नेपाल से बॉर्डर डिस्प्यूट होना ही है क्योंकि बॉर्डर सेपरेशन, जरा आप कनाडा और अमेरिका की सेपरेशन देखो, क्या शानदार सीधी लाइन है, ऐसा नहीं लगता पहले लाइन खींची फिर देश बनाए, है कि नहीं। और यहां पर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, दुनिया के सबसे लंबी बॉर्डर, लगभग सबसे लंबी बॉर्डर यहां मिलती है, ठीक है ना। अगर आप यो यूएसएसआर और चाइना के बीच में देखोगे तो वहां भी एक बॉर्डर, जो यूएसएसआर के टूटा हुआ पार्ट और चाइना, मतलब इंटीग्रेटेड यूएसएसआर और चाइना आपस में मिलते थे, लेकिन वहां भी बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत कम थे, पहाड़ों ने, नदियों ने बिल्कुल साफ सेपरेशन कर रखा था। लेकिन यहां तो बॉर्डर डिस्प्यूट होना स्वाभाविक ही था। तो इंडिया और चाइना के बीच में अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है और मैकमोहन लाइन को चाइना ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया तो इंडिया मानता था कि बाय द नेगोशिएशन ये चीजें सेट हो जाएगी, लेकिन ये नहीं हुई। और 1962 के वॉर के बाद ये एरा एंड हुआ और उसके बाद में इंडिया ने माना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नॉन अलाइनमेंट तो रहना ही चाहिए लेकिन साथ साथ में थोड़ा रियलिज्म भी आना चाहिए। रियलिज्म का पीक कब पहुंचा, 1971 की इंडो यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी के अंदर, जिसमें हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि अगर कोई हम पर हमला करेगा तो यूएसएसआर मदद करे, हम चाहते हैं, और अगर यूएसएसआर पर कोई हमला करे
तो हम भी मदद करेंगे, है कि नहीं? कई कई लोगों को हमने तैयार किया कि तुम कविताएं लिखना है ना, देश प्रेम वाली, तो ये मदद होगी हमारी तरफ से यूएसएसआर को, ठीक है? कि हमारे कुछ कवि लोग जो है वो शानदार कविताएं लिखकर और पूरा ब्रह्मांड हिलाने की जो बात होती है तो वो कर सकते हैं। ओरिजिनल बात क्या थी, हमने मान लिया कि यूएसएसआर हमारा बॉस है ना एक तरह से, और यूएसएसआर को चाहिए क्या था, इंडिया जैसे जिम्मेदार देश की जरूरत। हालांकि अगर हमने अफगानिस्तान रूट अगर उनको दे दिया होता, अफगानिस्तान में हमने मदद की होती यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर हमारा बहुत तगड़ा अलाई बनता, लेकिन हम इतने ज्यादा अलाई बनने से डरे और हमने यूएसएसआर को अफगानिस्तान में मदद नहीं करी कि आप अफगानिस्तान के अंदर पूरा होल्ड कर लो। तो फर्स्ट फेज खत्म होता है 1962 में, लिखिए सेकंड फेज। कोरियन और वियतनाम में माना जाता है कि जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे है ना, नेहरू के इंस्पिरेशन से जो मेनन थे, उन्होंने दोनों देशों के बीच में निगोशिएशन कराने का काम किया और निगोशिएशन में उनकी बात मानी गई। इसका मतलब कोरिया और वियतनाम जैसे देश इंडिया को कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण देश मानते थे, तो कोरियन और वियतनाम के अंदर जो नेगोशिएशंस हुए उन नेगोशिएशंस में इंडिया की भूमिका भी मानी गई। तो जो थर्ड वर्ल्ड था जिसके बारे में लोग बोलते थे कि अरे ये तो भिखारियों वाला ग्रुप है, उस ग्रुप को भी लोगों ने एक्सेप्टेंस मिली, तो ये कहीं ना कहीं सक्सेस भी थी। ऐसा नहीं था कि सक्सेस नहीं थी, नॉन अलाइनमेंट की सक्सेस को आप झुटला नहीं सकते, और उस समय एक थर्ड फोर्स के रूप में इसको जरूर माना जाने लगा, ठीक है? और जब तक नॉन अलाइनमेंट रिलेवेंट रहा तब तक उसको थर्ड फोर्स के रूप में माना जाने लगा, कोई उससे इग्नोर नहीं कर सकता था। आ जाइए सेकंड फेज 62 to 71। इट इज अ डिकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी। इट इज अ डिकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी। ये यथार्थवाद और भरपाई का दशक माना जाता है। इंडिया मेड प्रैग्मेटिक चॉइसेस ऑन सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। इंडिया मेड प्रैग्मेटिक चॉइसेस ऑन सिक्योरिटी एंड प्रैग्मेटिक चैलेंजेस डिस्पाइट द लैक ऑफ रिसोर्सेस। भारत ने सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों का सामना आक्रामक रवैये से किया, भले ही हमारे पास संसाधनों की कमी थी। पॉलिटिकल चैलेंजेस डिस्पाइट द लैक ऑफ रिसोर्सेस, ध्यान से सुनो, फिर से सारा बोल रहा हूं। इंडिया मेड प्रैग्मेटिक चॉइसेस ऑन सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस Despite the lack of resources, अब बोलो अंग्रेज का मात खा गए, क्या हुआ भाई कार्तिक, समझ आया ना सारा? तो भारत ने सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों का सामना आक्रामक रवैये से किया, भले ही संसाधनों की कमी थी। समय लिखा, आगे लिखिए। The approach of national security sometimes overlooked the approach of national security sometimes overlooked the ideals of non-alignment। राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित कई बार गुट निरपेक्ष आदर्शों के ऊपर भारी पड़े।
एक्सटर्नल प्रेशर ऑन कश्मीर इशू was mounted on India, कश्मीर विवाद पर भारत पर, कश्मीर विवाद के संदर्भ में भारत पर बाहरी दबाव बनाया गया and USSR always helped India in international platforms like UNO on this issue. और सोवियत संघ ने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सदैव भारत की मदद की एंड इंडिया सीम टू बी अलाय ऑफ यूएसएसआर और भारत सोवियत संघ के सहयोगी के रूप में और भारत की छवि सोवियत संघ के सहयोगी के रूप में बनी which was against the principle of non-alignment, जो गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध था थर्ड फेज लिखिए फ्रॉम 1971 टू 1991 सोवरेनिटी को खतरा अगर यूएनओ का मेंबर नहीं इंडिया अगर किसी बाइपोलर किसी ग्रुप के अंदर मेंबर बनता तो हमें वैसी पॉलिसीज बनानी पड़ती ना जिस ग्रुप के हम मेंबर है भले ही हमारी हमारी इंटरनल डिमांड कुछ और होती हम चाहते हैं कि हमें यूएसएसआर से भी मदद चाहिए और अमेरिका से भी मदद चाहिए क्या ये पॉसिबल होता किसी ग्रुप का मेंबर होने के बाद नहीं नहीं यूएनओ के परमानेंट मेंबर बनने से सोवरेनिटी का खतरा वहां से नहीं अराइज होता वो कब बन पाते हम जब हम किसी ग्रुप के मेंबर होते बाइपोलर वर्ल्ड के तो अगर आपको मिल गया यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप तो आपको अमेरिका के सैनिक अड्डे अपने देश में बनाने पड़ते या यूएसएसआर के सैनिक अड्डे अपने देश में बनवाने पड़ते भाई जिसकी मदद से आपने ऐसा किया होता वो उसकी कीमत वसूलता कि नहीं वसूलता एक महाशक्ति अगर अमेरिका की मदद से किया होता तो वो वसूलता और अगर यूएसएसआर की मदद से किया होता तो वो सुन तो हम कोल्ड वॉर का पार्ट बन जाते जो हमें बनना नहीं था ठीक है नहीं 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 चाइना को क्यों नहीं सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी चाइना तो कम्युनिस्ट ग्रुप से आया था चाइना ने कब माना कि अमेरिका हमारा दोस्त है नहीं चाइना ने यह माना नहीं कि अमेरिका हमारा दोस्त है लेकिन कोल्ड वॉर में नहीं उलझा क्योंकि कम्युनिस्ट ब्लॉक में दो ही बड़े देश थे ना यूएसएसआर और चाइना जो यूएसएसआर और चाइना के फेवर में एक बात और थी कि आपने यूरोपियन कंटिनेंट से ले लिया है ना यूरेशिया है ना यूएसएसआर ठीक है तो एशिया से इतनी बड़ी पॉपुलेशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं कम्युनिस्ट भी बड़ा नेशन भी लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी उस समय सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी चाइना की ठीक है तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जो चाइना को मदद कर रहे थे दूसरी बात चाइना की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो तो अमेरिका का अलाई हो ही नहीं सकता था चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन था अमेरिका का अलाई तो हो ही नहीं सकता था ज्यादा से ज्यादा वो यूएसएसआर का अलाई होता और इन लोगों को लगता लग रहा था कि यूएसएसआर का अलाई होगा लेकिन माओ ने माना कि यूएसएसआर का अलाई होने का मतलब जो है पॉलिसीज को फॉर आगे उसी तरह से आगे बढ़ाना है अमेरिका का उसने विरोध किया लेकिन उसके बावजूद भी अपने नेशन के अंदर वही काम किया जो यूएसएसआर चाहे या ना चाहे अगर यूएसएसआर को अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड है नहीं अच्छा लगता है तो और अच्छी बात है इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को चाइना ने चलाया
लेकिन उसने कैपिटलिस्ट नेशन से दूरी रखी टिल 1978 जब चाइना ने खुद ने लिबरलाइजेशन का काम शुरू कर दिया। मैंने बताया था ना चाइना में स्टेट कंट्रोल लिबरलाइजेशन, ठीक है, तो जब तक चाइना ने स्टेट कंट्रोल लिबरलाइजेशन नहीं अपनाया तब तक उसने कैपिटलिस्ट ब्लॉक से बिल्कुल दूरी रखी। उसका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वही था जो यूएसएसआर का था, बट नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएसएसआर। मतलब उनका साफ मानना था कि हमारी 60 करोड़ की पॉपुलेशन, 70 करोड़ की पॉपुलेशन, तुम 30-35 करोड़, हम तुमसे क्या इंस्पायर्ड होंगे, ठीक है। फिर एटॉमिक पावर भी बन गया, एटॉमिक पावर बन गया तो अब ये खतरा ही खत्म हो गया कि वो चाइना की सॉवरेनिटी पर हमला कर दे। चाइना के एटॉमिक पावर बनने से ही तो इंडिया को प्रेरणा मिली कि विदाउट एटम बम आपका, जिसको मैंने एक थ्योरी दी थी, क्या नाम था उसका, अरे डिटरियंस, ठीक है, डिटरियंस का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया वो यही तो निकल कर आया कि डिटरियंस मींस न्यूक्लियर डिटरियंस, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये रीजन था। हाँ जी, थर्ड फेज लिखिए 71 to 91। In this phase, the geopolitical situation affected the Indian foreign policy is yug mein. वैश्विक परिस्थितियों ने भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया। द रीजनल सिचुएशंस लाइक इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान ऑल्सो इफेक्टेड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्षेत्रीय वातावरण जिसके अंतर्गत पाकिस्तान की उपद्रवी स्थिति ने भारत की विदेश नीति को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। पाकिस्तान प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल in the formation of the axis of US, China and Pakistan, पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के गुट को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एंड द फोरसाइटेड इंडियन लीडरशिप smelt the probability of war between India and Pakistan, sungna मत लिखना हिंदी वाले, अंदाजा लगाया, और दूरगामी भारतीय नेतृत्व ने यह अंदाजा लगा लिया probability of war between India and Pakistan. And the four-sided Indian leadership smelt the probability of war between India and Pakistan. और दूरगामी भारतीय नेतृत्व ने यह अंदाजा लगा लिया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक युद्ध हो सकता है। This was the background between Indo-USSR treaty. This was the background of Indo-USSR Treaty of Indo-USSR Friendship Treaty
ऑफ 1971 और यही वह पृष्ठभूमि थी जिसने 1971 की भारत सोवियत संघ मित्रता संधि को जन्म दिया। इट वॉज अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट द फीलिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये गुट निरपेक्षता की नीति के एकदम विरुद्ध था। Because it was the adoption of pro-Soviet Union policy. Because it was the adoption of pro-Soviet Union position on international issues. It was the adoption of pro-Soviet Union positions on international issues. क्योंकि इसके द्वारा भारत ने सोवियत संघ के झुक की ओर झुकाव वाली नीतियां अपना ली। द ट्रीटी पेड इट्स वर्थ वैल्यू इन 1971 वॉर। इस संधि ने 1971 की युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एंड इंडिया सक्सीडेड टू डिफीट पाकिस्तान एंड द ईस्टर्न पाकिस्तान बिकेम अ न्यू कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश।